नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको किसी भी बैरिंग का नंबर निकालना बताऊंगा कि आप किसी भी बैरिंग का नंबर कैसे निकाल सकते हैं इस वर्नियर क्लिपर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे पास इस समय तीन बैरिंग हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला बैरिंग है ये है टेपर रोलिंग बैरिंग। इसे टेपर रोलिंग बैरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी जो कॉर्नर है वो थोड़ी टेपर में होती हैं, तिरछी होती हैं दोस्तों, ये सीधा नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जो दूसरा बैरिंग है मेरे पास दोस्तों, ये है एक रोलर बैरिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें जो रोलर पड़े हैं बिल्कुल सीधे हैं और इसकी जो कॉर्न है वो भी सीधी है। ये बैरिंग ज़्यादातर बाइक या फिर कार में इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और तीसरा बैरिंग है दोस्तों ये बाल बैरिंग। बाल बैरिंग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो गोलियाँ हैं वो बाल के रूप में होती हैं, यानी कि बिल्कुल गोल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी पैन उठाइए और उसमें लिखिए आईडी। आईडी का मतलब है दोस्तों इनर डाया। यहाँ पर हम हर एक बैरिंग का इनर डाया लिखेंगे कि अंदर से जो है कितने mm बनता है। ये हम इस क्लिपर से माप के इसका अंदर का डाया यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ओडी का मतलब है दोस्तों आउटर डाया, जो ये बाहर से ये जो बैरिंग है कितना mm होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों विड्स, यानी इसकी चौड़ाई, ये बैरिंग साइड से कितना है। ठीक है दोस्तों, अब यही फार्मूला दोस्तों आप किसी बैरिंग में अपना सकते हैं और उसका बैरिंग का नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो दोस्तों हम सबसे पहले टेपर बैरिंग का डाया निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये है टेपर बैरिंग। देखिए दोस्तों ये कितना होता है, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये हुआ तो 25 mm। ठीक है दोस्तों, इसका इनर डाया। अब हम दोस्तों इसका मापेंगे आउटर डाया। ठीक है दोस्तों, ये बैरिंग ज़्यादातर ट्रैक्टरों में यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब ये आउटर डाया इसका क्या होता है, अब हम ये भी नोट करेंगे। मेरे पास ये सिंपल क्लिपर है दोस्तों, फिर भी मैं सेफ ठीक कर लगा दूँगा 62। ठीक है दोस्तों, 62 mm इसका आउटर डाया। अब हम इसे साइड से मापेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। दोस्तों यदि आपके पास डिजिटल क्लिपर है तो आपको रिजल्ट इससे भी अच्छा मिलेगा, हो सकता है इसमें एक दो पॉइंट अप डाउन हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हुआ 18। ठीक है दोस्तों, 18 mm। अब दोस्तों लेते हैं हम एक रोलर बैरंग, इसे भी अच्छा तो दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा फास्ट वीडियो में दिखाता हूँ उसके करके। दोस्तों ये हुआ दोस्तों 22 mm। अब मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, अब ये थोड़ी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका आउटर डाया मापते हैं दोस्तों जल्दी से। ये हुआ दोस्तों 58 mm। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका आउटर डाया मापते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों कितना होता है फटाफट। ये हुआ दोस्तों 17 mm। ठीक है दोस्तों, इसको साइड में रखिए। अब उठाते हैं हम फटाफट बॉल बैरिंग। अब हम इसका इसी तरीके से इन राय मापते हैं फटाफट जल्दी। ये हो दोस्तों 17 mm। ये दोस्तों अब हम इसका आउटर राय मापते हैं, ये हो दोस्तों 40 mm। और अब हम इसे साइड से मापते हैं, ये हो दोस्तों 12 mm। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जल्दी से कॉपी में नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये डाटा है टेपर बैरिंग का, तो ये डाटा है एक रोलर बैरिंग का, और ये डाटा है एक बाल बैरिंग का। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है NBC बैरिंग। ठीक है दोस्तों, इस बैरिंग इस एप्लीकेशन से आप बड़ी तेज़ी से किसी भी बैरिंग का डाटा निकाल सकते हैं कि वो कौन से नंबर बैरिंग है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं, यहां से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन करें और सर्च में टाइप करें NBC। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने टाइप किया है NBC। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी NBC बैरिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको ओपन करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये एप्लीकेशन
कितनी आसानी से आपके बैरिंग का डाटा निकाल के आपको देती है। ठीक है दोस्तों, आपको किसी बड़े चार्ट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, या किसी किताब की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सारा काम अपने आप ही कर देगी। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपके पास जो क्लिपर है वो डिजिटल है, तो फिर आप एग्जैक्ट देखिए दोस्तों, जहाँ पर एग्जैक्ट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास सिंपल क्लिपर है दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम में ही जो आपने वैल्यू निकाली है, ठीक है दोस्तों, उसको यहाँ पर डालें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम सबसे पहले क्लिपर बैरिंग है, ठीक है दोस्तों, उसका डाटा हम इसमें डालते हैं और देखते हैं ये उस बैरिंग को क्या नंबर बताता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, इसका मिनिमम और मैक्सिमम का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, आपके पास एक सिंपल क्लिपर होने की वजह से आपके पास हो सकता है रीडिंग थोड़ी अप डाउन हो, जैसे मान ली आपने आपका जो क्लिपर है वो 16 mm किसी बैरिंग का आउटर डाया बता रहा है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वो 16 ना हो, 16.5 हो, या फिर दोस्तों हो सकता है वो 15.5 हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आप एक पॉइंट ऊपर नीचे ही रखिएगा। देखिए दोस्तों, हम इसमें बैरिंग का डाटा भरते हैं, जैसे दोस्तों हमारे पास इनर डाया था वो 25 था, लेकिन हम यहाँ पर भरेंगे दोस्तों 24 मिनिमम में, और मैक्सिमम भरेंगे 26, क्योंकि 25 जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें थोड़ा डिफरेंस हुआ, 25 ना हुआ, 25.5 हुआ, या फिर वो 24.5 हुआ, तो ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन खुद ब खुद इसके बीच का डाया आपको उस बैरिंग का नंबर अपने आप ही बता देगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपका जो आउटर डाया है दोस्तों वो लिखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे वो 62 था तो आप वहाँ 62 ना लिखें, वहाँ पर 61, ठीक है, और 63 लिखें। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आगे है आपका उसकी बैरिंग की चौड़ाई, जैसे कि इसमें लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों 18 mm। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर लिखें 17 mm, और आगे लिखें दोस्तों 19 mm। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर आप गेट डिटेल पे क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो है बैरिंग है 30305। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप मिनिमम और मैक्सिमम का प्रयोग कीजिए, उसका फ़ायदा देखिए आपके दोस्तों यहाँ हो गया। देखिए दोस्तों, ये पहला बैरिंग जो है 18.25 जो है इसकी चौड़ाई है, यदि दोस्तों आप 18 लिख देते तो वह ये एप्लीकेशन आपको सही डाटा न देती। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसलिए ही आपको कहा था कि आप मिनिमम और मैक्सिमम का प्रयोग कीजिए, ताकि आपके पास सही डाटा आए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं, देखते हैं इसका बैरिंग का क्या यही नंबर है। ठीक, देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से वीडियो आगे करके दिखाता हूँ। अब हम जल्दी से लिखते हैं, सॉरी ये पेन भी काम नहीं कर रहा, अब मैंने दूसरा पेन लिया है, ये हुआ 30305। ठीक है दोस्तों, हमने ये नोट कर लिया। अब दोस्तों हम आपको नंबर दिखाते हैं पहले बैरिंग का, जो हम इस एप्लीकेशन ने हमें बताया है 30305 है या नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये है 30305। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसे ही दूसरा बैरिंग चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने दूसरे बैरिंग का डाटा भी यहाँ पे भर लिया है, जो कि रोलर बैरिंग है। देखिए हम इसकी डिटेल निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये है 22x58x17, ये स्पेशल बैरिंग है, इसका कोई खास नंबर नहीं होता, ये सुपर स्प्लेंडर के क्रैंक में यूज होता है दोस्तों, क्योंकि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं एक मोटर बाइक मैकेनिक हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो बैरिंग है ये ट्रैक्टर वाले पे मिलेगा, या कार वाले पे, या फिर मोटरसाइकिल वाले पे, और दोस्तों इसका आप रुपये भी पता कर सकते हैं कितने रुपये का ये बैरिंग होता है। देखिए दोस्तों, इसका MRP भी इस एप्लीकेशन में दिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसका जैसे नंबर लिखेंगे और देखेंगे इसका क्या नंबर है। दोस्तों इसका कोई खास नंबर नहीं होता, क्योंकि इस बैरिंग जो होता है स्पेशल होता है, इसके केवल क्रैंक के लिए, सुपर स्प्लेंडर के लिए। देखिए दोस्तों, इसका कोई नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने तीसरे बैरिंग का डाटा भी भर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका भी डिटेल निकालेंगे। देखिए दोस्तों, निकल गई 12.03, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए चार्ट में, ये हमारा बैरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों दो गोलियाँ दिखाई गई हैं। हमारे पास जो बैरिंग है उसमें सिंगल गोली है, वो है सिंगल बाल बैरिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए हम इसको नेक्स्ट करके देखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा बैरिंग नहीं है। अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखिए ये भी हमारा बैरिंग नहीं है। फिर दोस्तों हम जल्दी से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये भी हमारा बैरिंग नहीं है। अब हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारा बैरिंग 62.03। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको वीडियो में चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल बाल बैरिंग है।
तो दोस्तों सबसे पहले इस बैरिंग का नंबर लिखते हैं 6503। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि लोग तंग हो जाते हैं यूट्यूब पे ज़्यादा लंबा वीडियो देख के। देखिए दोस्तों ये है 6503। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।